आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ये उम्मीद है। घर से बाहर मत निकलना और अपना काम अच्छे ढंग से करना। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान यानी स्थान, जो जिस स्थान पर होता है वो उसका मान होता है। आपने ये सुना होगा, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े के जो स्थान पर लिखा जाता है, दहाई के स्थान पर जो लिखा जाता है और इकाई के स्थान पर जो लिखा जाता है, जो जितना अंक होता है और जो उसका जो स्थान होता है वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पे इकाई के अंक पर हमने लिखा 1, तो इसका स्थानीय मान 1 है। और दहाई के अंक, दहाई में जैसे 2 अंक होते हैं तो उसका जो स्थानीय मान होगा वो 2 अंकों का होगा। सैकड़े पे जो, सैकड़े के स्थान पर जो होता है, जो अंक लिखा जाता है वो उसमें 3 अंक होते हैं सैकड़े में, इसलिए उसका जो स्थानीय मान होगा वो 3 अंकों का होगा। देखते हैं, हम उदाहरण के द्वारा आपको दिखाता हूँ। जैसे 351 है, 351 में 1 का जो इकाई का अंक है वो 1 अंक का होगा। इकाई का अंक 1 है, इकाई में 1 ही अंक होता है तो इसका स्थानीय मान भी 1 अंक का होगा और ये 1 है। दहाई है, दहाई 2 अंकों का होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं तो इसका स्थानीय मान भी 2 अंकों का होगा। 5, दूसरा अंक क्या होगा? दूसरा अंक इसके पीछे जो भी होता है उसके पीछे हम 0 लगा देते हैं। जैसे 1 दाई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 दाई को 10। इसी तरह 2 दाई को 20, 4 दाई को 40 बोल देते हैं। इसलिए 5 दाई है तो क्या हो गया, 50। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 50। इसी तरह 3 है, 3 सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर आपको पता होगा सैकड़े में कितने अंक होते हैं, 3। 3 अंक होते हैं। इसी तरह इसका जो स्थानीय मान है वो भी 3 अंकों का होगा। क्या होगा, 3 और इसके पीछे 3 2 0, क्योंकि 100, 100, 100 में 3 अंक हो गए। 200 में 200, 2 में 200, 2 में 3 अंक हो गए। 200 है, 2 और 2 0, 3 है, 300 हो गया। इसी तरह ये इसका स्थानीय मान है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। 525 है जैसे, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 इकाई के है तो 5 दाएं पे है तो 20, और 500 है तो 500 इसका क्या हो गया, 5 सैकड़े के स्थान पर है तो 500 इसका स्थानीय मान होगा। एक उदाहरण और आपको बताता हूं। 306 हमने क्या लिखा, 306 इकाई के स्थान पर क्या है, 6, और इसका स्थानीय मान भी क्या होगा, 6 ही। दाएं के स्थान पर 0 है तो इसका स्थानीय मान क्या होना चाहिए, 0। पीछे भी पीछे 0 है तो ये सारा 0 ही होगा। और सैकड़े के स्थान पर 3 है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 300। मैं आपको इससे अलग एक और वर्कशीट देना चाहूंगा जो आपको अभी करके दिखानी है। मुझे उम्मीद है आप करेंगे। थैंक यू।